हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द वर्कशीट 6 ऑफ चैप्टर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 1. राइट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि अगर हमारे जो टू नंबर्स हैं उनको हमें सॉल्व करना हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, कि साइंस कैसे यूज़ होते हैं. तो आपको बताया था इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन, हमारा अगर माइनस को माइनस से प्रोडक्ट होता है तो प्लस बन जाता है, प्लस को प्लस से होता है तो प्लस बन जाता है, बट अगर एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का हो तो प्लस इनटू माइनस क्या बन जाता है, माइनस. तो वही सब रूल यहाँ यूज़ होगा. अब देखो, आपको पता है प्रोडक्ट में नंबर को तो नंबर से ही करना है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, 3, 5, 15, बट जब सिंबल को सिंबल से करोगे, माइनस प्लस जा क्या हो जाता है, माइनस. ऐसे ही माइनस माइनस जा प्लस, तो ये सब सेम उसी वे में आपके हो जाएंगे. आफ्टर जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट, सेम वे में प्रोडक्ट निकालनी है. फर्स्टली जब भी आप प्रोडक्ट करते हो, नंबर को नंबर से करो, 5, 6 जा 30. अब ये माइनस का और इसका साइन क्या है, आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, मतलब ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया हमारा, माइनस. ऐसे ही 19, 3 जा क्या हो गया, 57, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस. सिमिलरली इसके अंदर है, देखो पहले नंबर को नंबर से, 5, 10 जा 50, 50, 100 जा 5000. अब सिंबल को सिंबल से करो, माइनस को प्लस से, माइनस प्लस जा माइनस, आंसर प्लस आया तो प्लस माइनस जा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी माइनस प्लस जा माइनस, और माइनस माइनस जा क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो प्लस 5000. सेम इसके अदर पार्ट्स हैं. पहले हम बुक वा कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर दिस क्वेश्चन 5, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेरिजन करना है. देखो अब यहाँ ये ब्रैकेट में आइटम, तो फर्स्टली ब्रैकेट सॉल्व हो गए, 7 और 6 कितने हो जाते हैं, 13, 13, 10 जा क्या हो गया, 130. ऐसे ही इसको सॉल्व करो, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है, पहले प्रोडक्ट सॉल्व होगी, 6, 10, 60 प्लस 7, 67, मतलब दिस वन इज बिगर, सिमिलरली ये सॉल्व हो जाएगा. आगे है, बट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. 7 तो है माइनस का, नेगेटिव है ना, 7 है माइनस का, नेगेटिव मतलब माइनस, और 3 है पॉजिटिव का. अब एक नंबर माइनस का और एक प्लस का हो तो माइनस प्लस जा क्या होती है, माइनस, यानी कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा. ऐसे ही ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, यानी कि नेगेटिव. सेम इसके अदर हो जाएंगे आपके. वन मोर पार्ट देखो, यहाँ -4, -5, -6, up to -13. तो आप ये काउंट करोगे, देखो कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 10 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे, 10 टाइम्स माइनस आया है. इवन टाइम्स माइनस आ जाए तो पॉजिटिव ही होएगा आंसर, ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा. देन है ट्रू फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, कि अगर दो इंटीजर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आता है, इंटीजर आता है. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अपोजिट साइन इज पॉजिटिव, अगर दो इंटीजर का साइन अपोजिट है तो उनका आंसर पॉजिटिव होगा, नो. अगर एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर तो माइनस होना चाहिए, सो दिस इज फॉल्स. द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन मैंने आपको बताया था, ऐसा एलिमेंट जहाँ पर जिससे कोई नंबर पर इफेक्ट ना पड़े, मतलब ऐसा एक नंबर जिसको किसी में ऐड करने पर वो आंसर पे कोई चेंज ना आए. तो एडिशन में तो क्या था, वो जीरो, और सब्ट्रैक्शन में भी, बट इन केस ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक ऐसा नंबर कि जिसको किसी से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई आंसर पे इफेक्ट ना पड़े, तो दैट इज अ वन, मतलब वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. इफ टू इंटीजर ऑफ द टू इंटीजर इफ वन इज नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही होगा, नॉट इन ऑल केस. अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो आंसर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसने तो एक ही कंडीशन दी है, ठीक है. सो हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. अब हम इसके क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे जो अभी हमने लिव किए थे. स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है. देखो हमें एक टर्म दे रखी है, 1, 2, 3, 4 × 5, 6, 7 − 234 × 567. तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट यहाँ है, एक प्रोडक्ट यहाँ, और इनको सब्ट्रैक्शन से हमने सेपरेट किया हुआ है. तो हम इन दोनों टर्म्स के, अब ये दो टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, टू टर्म्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लिया. अब दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, 567 दोनों में कॉमन है, तो जो ये कॉमन था वो बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई था ना, तो ये कंप्लीट विद मल्टीप्लीकेशन बाहर आ गया. अंदर क्या बचा हमारा, ब्रैकेट में ले लेंगे 1234 साइन एज इट इज, और यहाँ क्या बच गया, 234, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, कॉमन आकर एक ही बार आएगा. तो अब ये 567 मल्टीप्लाई एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस किया तो कितना आ गया, 1000. अब ये प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे हमारी ये इजी हो गया, बट अगर हम ये सिंपली सीधा इसको पहले प्रोडक्ट करते फिर ये प्रोडक्ट करते और फिर सब्ट्रैक्ट करते तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता. सो दिस इज द इजिएस्ट वे.
नाउ नेक्स्ट वन 739 मल्टीप्लाई 19 माइनस माइनस 739, पहले तो दो सिंबल है उनको सिंगल बना दिया, 739 माइनस मल्टीप्लाई 99 माइनस इंटू माइनस प्लस 739. अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय वन करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अब देखो यहाँ दो टू टर्म्स हैं विद सेपरेटेड बाय एडिशन सिंबल, सो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया 739 मल्टीप्लाई, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में 99 प्लस 1. ओके, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ गया 100, प्रोडक्ट कर दोगे, दिस इज द आंसर. ऐसे ही देखो नेक्स्ट है, माइनस 70 को मल्टीप्लाई कर रखे इस टर्म से, तो पहले इसको तो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, पहले ये फर्स्ट टू टर्म सॉल्व कर दी जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन में किया था, सेम वैसे ही इसको सॉल्व आउट करके आप निकाल सकते हैं. ओके, सो यूजिंग दिस रूल यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस. आफ्टर दिस है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द इंटीजर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन गिव्स. ऐसा वैल्यू बतानी है कि अगर इन इंटीजर्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर क्या बनता है. तो देखो माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस वन से, तो करो थ्री इंटू वन थ्री, माइनस माइनस जा प्लस, ऐसे ही बाकी आप करके देख सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन थ्री एंड फोर ऑफ दिस वर्कशीट इन फेयर नोटबुक एंड द अदर क्वेश्चंस इन योर मैथ्स बुक. थैंक यू.